हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेड का झटपट से बनने वाला नाश्ता, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनेगा, क्योंकि हम ऐसी चीजें ऐड करेंगे जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी और हेल्दी भी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो मेक श्योर उसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है व्हाइट वाली ब्रेड, जो मेरी 6 स्लाइस है। अगर आपके पास ब्राउन वाली तो ब्राउन वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने लार्ज वाला पैकेट लिया। अगर आप चाहें तो स्मॉल भी से भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए, चलते हैं गैस की तरफ और इसे कर देते हैं साइड में। तो फ्रेंड, आगे गैस की तरफ और एक पैन रख दिया। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तक बड़ा वाला ऑयल। ऑयल को अच्छे से हीट हो जाने देंगे, तब तक का हमें वेट करना है। पैन आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, वो हैवी वेट होना चाहिए, या आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो तेल को पहले अच्छे से हीट करें। तो तेल हमारा जैसे हीट होगा हम इसमें डालेंगे हींग 1 चम्मच, और हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ मोटा वाला, और इसको तड़कने देंगे। जैसे ही हमारी दोनों चीजें तड़केंगी हम इसमें डालेंगे आलू बॉईल, जो हमारा 50 ग्राम बॉईल आलू है, इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया। इसको हम डाल देंगे और हम इसे भूनेंगे अच्छे से। और 1 से 2 मिनट इसको हम पकाएंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आएगी, हींग और सौंफ का जो तड़का होता है बहुत ही अमेजिंग लगता है, आप लोग एक बार जरूर लगाना। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर, जो हमारी बॉयल मटर है, हमने अच्छे से बॉयल कर लिया था। और ये चाट वाली मटर है, आप चाहे तो हरी वाली मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से बॉयल करने के बाद मैंने मैश कर दिया था। ये भी हमारी 50 ग्राम है और 50 ग्राम ही हमारे आलू थे। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे, भूनेंगे इतना अच्छे से कि इसमें एक सोनापन आ जाए। तो गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए, हाई फ्लेम पर हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मसलते हुए भून लेंगे इस तरह से। 3 से 4 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि स्मोकी सा फ्लेवर आए। जैसे आप लोग खेले पे खाते हैं, वो लोग भुनाई अच्छे से करते हैं तभी वो फ्लेवर आता है। तो इस तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। देखिए दोनों चीजें आपस में मिल गई हैं। अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, और 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे इसके अंदर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो फिर मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया ढेर सारा, और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली, जो हमने कट करके रखी है, अब वो 2 से 3 है, इसको हम डाल देंगे और इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फिर हरा धनिया जो आपको डालना है वो अच्छे से आपको सूखा कर डालना है, यानी उससे पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। और अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा लास्ट में डालना है, और इसे डालकर हम बिल्कुल ड्राई सी अपनी स्टफिंग को रेडी कर लिए हैं। और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब तक ये ठंडा होगा हम आगे का प्रोसेस फॉलो कर लेंगे। तो देखिए हमारी स्टफिंग में बिल्कुल भी पानी नहीं है, इस तरह से हमने इसको भुना है बिल्कुल ड्राई सा। और चलिए इसे साइड में रख देते हैं, आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो फ्रेंड, जब तक हमारा ये ठंडा हो रहा है, हमने एक बर्तन ले लिया बड़े साइज का। अब इसमें हम डालेंगे बेसन, जो हमारा 1 कटोरी है, और नाप में 1 कटोरी है, और वेट में ये कम से कम 150 ग्राम है। और इसको डालने के बाद अब इसमें हम कुछ चीजें डालेंगे। तो 1/2 चम्मच सबसे पहले नमक डालेंगे, और 1/2 चम्मच इसमें हल्दी जाएगी, और अब इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना ऑयल डालेंगे लमसम 1 बड़ा चम्मच, और 1/2 चम्मच अजवाइन लेंगे इस तरह से, और इसको अच्छे से मसलते इसके ऊपर डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सारी चीजों को हम इस तरह से मिलाएंगे, और अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसका एक घोल रेडी कर लेंगे। घोल ना बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और इसे हमें मिला लेना है। और इसमें हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडा वगैरह नहीं डालना है, और गुठलियों को हमें इस तरह से हटा लेना है। तो थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छे से फेंटेंगे, और 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे। फिर इसके बाद जब ये फूल जाएगा तब हम इससे पानी ऐड करेंगे। तो चलिए 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड, 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे क्योंकि बहुत थिक है। तो लमसम 1 कप में हमारा इतना पानी बच गया है, 2 से 3 चम्मच, और इसको हम स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से आपका बैटर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा लिक्विड है। और इस तरह से हम इसको बना लिए हैं, और अब हम इसे रेस्ट नहीं देंगे क्योंकि हमने पहले रेस्ट दे दिया था। और एक ही डायरेक्शन में हम इसको घुमाएंगे, कोई भी बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डाला है, तब भी ये फ्लफी बनेगा अगर आप इसको फूलने का टाइम देंगे। तो देखिए बेसन हमारा कितने अच्छे से फूल गया है, और अब मैं इसे साइड में रख दूंगी और ब्रेड की तरफ आ जाऊंगी।
तो फ्रेंड ब्रेड के स्लाइस को हम इस तरह से ले लेंगे और एक ब्रेड का स्लाइस लेना है और आप इसमें कोई भी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मनपसंद शेप दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली घर में नहीं होता तो मैं इसे एक ढक्कन से कट कर रही हूँ और इस तरह से हम प्रेस करेंगे। ढक्कन को बिल्कुल टाइटली करना है और इस तरह से, और ये देखिए हमारा निकल आया है गोल गोल सा, और इस तरह से हम रख लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे करेंगे। तो देखिए बिल्कुल ईजिली आपको करना है और ये देखिए आसानी से कट जाएगा। ब्रेड आपकी बासी नहीं होनी चाहिए, ताजी ब्रेड का इस्तेमाल करना है और इस तरह से हम सारे को करते जाएंगे और ये वेस्ट नहीं होता, इससे आप दूसरा नाश्ता बना सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। तो फ्रेंड इस तरह से कट कर लिया है और इसका हम दूसरा नाश्ता बना सकते हैं, ये भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो इसे हम साइड में रख देंगे और इसे वेस्ट नहीं करना है और ये हम एक ले लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, एक से दो बूंद। और जो हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी थी उसे एक बर्तन में निकाल लें। तो इस तरह से निकाल लिया, अब इसको हल्का सा मैश करेंगे सारी चीज़ों को और देखिए अच्छे से हो गया है। अब इस तरह से लेंगे और इसकी हम एक गोली बना लेंगे और इसको हम टिक्की का शेप दे देंगे इस तरह से, इसी के बराबर बनानी है क्योंकि हमको इसी में फीड करनी है। और इस तरह से हमारी टिक्की रेडी हो चुकी है और अब इसको लगाने से पहले कुछ चीज़ें हम लगाएंगे। तो फ्रेंड इधर मैंने प्याज और टमाटर ले रखे हैं, तो क्या करेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज रख देंगे और एक छोटे साइज़ का इसके बराबर ही टमाटर रख देंगे और उसके ऊपर अपनी टिक्की को हम इस तरह से फैला लेंगे, अच्छे से लॉक कर देना है। और जब आपने पानी लगाया होगा तो ये अच्छे से चिपक जाएगा और इस तरह से हमें इसको चिपका लेना है दोनों चीज़ों को इस तरह से। तो इस तरह से देखिए रेडी हो चुका है, दोनों इसके बराबर ही होना चाहिए और इस तरह से आपको अच्छे से प्रेस कर देना है। तो जब आपने ब्रेड पे पानी लगाया होगा तो अच्छे से ये कवर हो जाएगी। इस तरह से हम सारी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इजली बन गई है और इसमें आप चाहे तो बिना टमाटर वगैरह लगाए भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको पानी लेना है, इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करना है और फिर अपने स्टफिंग को लेकर हाथ से इसको इस तरह से ले लेना है और टिक्की का शेप दे देना है इस तरह से। और इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे सेम पहले वाले की तरह, इसे ही बना लेंगे। तो एक प्याज रखेंगे, फिर इसके ऊपर हम टमाटर का स्लाइस रखेंगे और उसके ऊपर हम ये स्टफिंग को रखेंगे और दोनों को अच्छे से हम इस तरह से प्रेस कर देंगे और इसको इस तरह से दबा देना है। जब आपने पानी लगाया होगा तो अच्छे से ये हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है और इसी तरह हम अपने सारे बनाकर आपको लास्ट में दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है, अब चलते हैं गैस की तरफ, इसे बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं गैस की तरफ, इसे हम बाद में बनाएंगे। तो फ्रेंड इसे फ्राई करने के लिए आपको मोटी वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करना है, तेल बहुत ज्यादा भर के नहीं डालना है और तेल जब गर्म हो जाए थोड़ा थोड़ा सा उसमें कसूरी मेथी डाल देंगे जिससे तेल का कलर भी अच्छा आएगा और इससे नाश्ता बहुत ही ज्यादा खुशबूदार बनेगा। तो इस तरह से हम एक को रखेंगे और इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग करेंगे बेसन की। तो देखिए आप चाहें तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर चम्मच से काम बनना है तो हाथ का इस्तेमाल हम क्यों करें। तो इस तरह से हम कोट कर लेंगे और छोटे चम्मच से हम इसको डालेंगे। तो चलिए पहले तेल को गर्म कर लेते हैं। तो फ्रेंड तेल हमारा गर्म हो गया, इस तरह से हम थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा बेसन निकाल लेंगे और अब हम इसे डालेंगे इसके अंदर। और इस तरह से हम अपना दूसरा रख लेंगे, इस पर भी हम इस तरह से बेसन से कोटिंग करेंगे। देखिए आपके सामने ही कर रहे हैं इस तरह से आगे पीछे दोनों, और इसको हम साइड में करके इस तरह से डाल देंगे और तीसरा भी ले लेंगे और इसको भी हम इस तरह से कोटिंग करेंगे और फिर किनारे करके इस तरह से डाल देंगे और पलटना नहीं है शुरुआत में। तो इस तरह से हम इसको बनने देंगे और चौथा भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे इस तरह से आगे पीछे दोनों। और बेसन देखिए हमारा ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ये वाला एडजस्ट कर देंगे। बाकी बच्चे मैं बाद में बनाऊंगी, ये वाला नाश्ता भी अभी आपको बनाकर दिखाना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब हम जब तक ये पक रहा है आगे की तैयारी कर लेंगे इस सारे नाश्ते के लिए। तो ये बच्चे हुए बेसन में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने बारीक कट करके रखी है और एक छोटे साइज का टमाटर जिसको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च जो हमारी आधी है, प्लस हरा धनिया ढेर सारा, दो पिंच हींग इस तरह से। और अब गरम मसाला जाएगा इसके अंदर, तो कोई भी का गरम मसाला ऐड करेंगे, आप कोई भी कंपनी का ऐड कर सकते हैं। ये गया गरम मसाला, चौथाई चम्मच चाट मसाला,
और ये गई हमारी ग्रीन चिली जो हमने दो कर देते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए कितना थिक हमारा अच्छा सा कचूमर रेडी हो चुका है जिससे हम दूसरा नाश्ता बनाएंगे। चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं, अब इसकी साइड को बदल देते हैं। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच की सहायता से इसके हम साइडों को बदल देंगे। तो बहुत ही आसानी से इसकी साइड हम इस तरह से बदल देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है और इस तरह से हम इसको अलग कर देंगे और दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट बना लेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से रेडी हो चुके हैं और कितना अच्छा कलर आ गया है इस तरह से। देखिए दूसरे साइड से भी कलर आ चुका है। अब इसे हम फटाफट निकाल लेंगे। निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से छन्ने का इस्तेमाल करना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस चला जाए और इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। और ये नाश्ता हमारा बन गया है। अब दूसरा नाश्ता तैयार करेंगे, इसको साइड में रख देंगे कढ़ाई को। तो दूसरा नाश्ता के लिए हम पैन का इस्तेमाल करेंगे। पैन हमारा जैसे ही गर्म होगा हम इसमें 1/2 चम्मच ऑयल इस तरह से डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको हम अच्छे से पैन में फैला लेंगे इस तरह से और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। बस 1/2 चम्मच तेल ही को हमें फैलाना है। और अब हमारी जो ये ब्रेड रहती है हमने जो कट करके रखी थी इसको हम इस तरह से रखेंगे और अपने स्टफिंग को जो हमने बना के रखा था उसको एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हमें फिल करना है इस तरह से, अच्छे से अच्छे अमाउंट में फिल करना है इस तरह से। और अब इसे हम पकने देंगे लमसम 2 से 3 मिनट तक। और ये भी आप चाय केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और वो वाला बहुत ज़्यादा चटपटा लगता है। तो अभी से हम 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। तो जब तक ये पक रहा है हम इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं और दूसरा वाला भी इसी में बना लेंगे। तो इस तरह से हम कर लेंगे और इस तरह से स्टफिंग को फैला लेंगे और इस तरह से इसके अंदर फिल कर देंगे। देखिए अच्छे अमाउंट में अब दोनों को हम पकने देंगे 1 से 2 मिनट तक। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट बाद अब हम इसे लेंगे इस तरह से और बहुत ही आसानी से पलट देंगे। देखिए कितने अच्छे से कुक हो चुका है और इसकी हम इस तरह से साइड को बदल देंगे। अब हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे। तो मुश्किल से 4 मिनट लगता है इसे बनने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप कोई भी नाश्ता खा सकते हैं, ये वाला भी बना के खा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची लगता है और ये वाला भी। आपको कौन सा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी और सेम इसी की तरह दूसरा वाला भी बना के रख लेंगे। तो चलिए आपको बना के लास्ट में दिखाते हैं। इस तरह से हम इसको इसके अंदर रख लेंगे। देखिए कितने अच्छे से कुक हो चुका है और सेम इसी की तरह हम दूसरा भी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लास्ट में। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा ब्रेड का ये अमेजिंग सा नाश्ता जो हमने 2 तरह से बनाया है, एक ये वाला और एक ये वाला। कौन सा आपको पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसे मैंने केचप के साथ सर्व किया, आप इसे हरी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और आप इसे शेजवान चटनी के साथ दिखा सकते हैं। तो देखिए कितने करारे और कितने अच्छे से ये कुक हुए हैं, ये देख लीजिए कितना बढ़िया इसका रिजल्ट है। और ये वाले बहुत ही अच्छे तरीके से बने हैं। तो आप बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और गर्म गर्म आप इसे इंजॉय करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, आप इसे जरूर ट्राई करना। ये वाला बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची बनता है और आप इसे किसी के साथ दिखा सकते हैं, ऐसे भी आप एज अ सैंडविच इसे खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दीजिएगा और वीडियो को बहुत सारे लोगों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कमेंट में बताइए कि आप अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। और जो रेसिपी का ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उसे जल्दी से जल्दी बनाने की तैयारी करूँगी। और आप हमें ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय एंड टेक केयर।